बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे, और यही हम सारी देवी देवताओं को पूजते थे, गुरुद्वारा जाते थे और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उनको उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान है? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे, आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि हमारे मेरे फादर जो थे उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और उन्होंने वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियां वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए,
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है। हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है, वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पापक्रम नहीं करते, पापक्रम तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पापक्रम कट सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पापक्रम नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पर पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है, कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपके आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए जरूर, उनका सत्संग जरूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि साधना चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप
पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए जी। धन्यवाद। थैंक यू।